अस्सलाम वालेकुम सर, आज जो हमारे फाइनल पेपर का जो प्रैक्टिकल है जो हमने परफॉर्म करना है वो है डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू पोटैटो ट्यूबर। सो जो हमारे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल है जो हमने यूज़ करना है वो है, सबसे पहले हमारे पास है एक पोटैटो, देन हमें चाहिए एक पीलर नाइफ जो हमने कैविटी होल बनाना है उसके लिए, एन एम्प्टी ग्लास जिसमें हम ये सारा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेंगे, एंड सम सॉल्ट, और उसके साथ हमारे पास स्पून है तो, और वाटर भी। तो अब हम सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है पोटैटो को पील करना है और फिर हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। पोटैटो को पील करेंगे, हमने पोटैटो को पील कर लिया, देन हम इसमें एक बनाएंगे कैविटी, हम इसको थोड़ा सा काट लेंगे। अब हम इसमें एक कैविटी होल बनाएंगे, हमने ये सारा एम्प्टी कर लेना है, इसमें एक होल बनाना है, देन इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। तो ये देखें हमारे पास एक कैविटी बन गई है, तो अब हम इसको डालेंगे जो हमारे पास एम्प्टी ग्लास है उसके अंदर हम इसको डालेंगे, और हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना, इसके साइड पे पानी डालना है और ग्लास को हाफ फिल करना है। इस तरह से। सो अब हम पहले मार्क कर लेंगे कि प्रोसेस से पहले हमारे पास वाटर का मार्क कितना था, तो वो हम कर लेते हैं। ये हमारे पास है वाटर का मार्क। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ये हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, इसको अच्छे से फिल करना है। हमने सॉल्ट ऐड कर दिया अच्छे से। अब हमें थोड़ा सा वेट करना है कि प्रोसेस हो जाए, फिर हम दोबारा एक मार्क लेंगे वाटर का और देखेंगे कि हमारे पास ऑस्मोसिस हुई है कि नहीं। तो हाँ, हमारे पास ऑस्मोसिस हुई है और ये हमारे पास, इसको हम स्टेबल कर देंगे और देखें पहले जो पॉइंट था
उससे नीचे अब है। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ है, और जो बाकी हम कैलकुलेशन और हमारी जो रीडिंग है वो हम पेपर में लिख देंगे। एंड थैंक यू सो मच।